कि अगर वरुण गांधी के नाम से अगर आप गांधी हटा दीजिए तो उनका राजनीति में आने से पहले उनका समाज के लिए और देश के लिए क्या योगदान था। एक गांधी सरनेम लगने के बाद उनका इतना बड़ा योगदान हो गया, उनकी प्रोफाइल इतनी बड़ी हो गई कि वो बहुत ही कम उम्र में, जिस उम्र में लोगों नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं एक आम सर, लेकिन उसी सरनेम की वजह से तो एक परिवार चल रहा है ना। बिल्कुल वही 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 मैंने कहा, वही 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 मैंने कहा, वही मैंने कहा कि इस सरनेम को अगर आप हटा देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी कोई बहुत बड़े जिस आदमी की बात करें जिसने बहुत बड़ा भारतीय समाज के लिए और राजनीति के लिए कंट्रीब्यूशन दिया हो। और गांधी सरनेम के लगने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है एरोगेंस। आप अगर इन दोनों भाइयों की आप बात करें तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस जो है फाड़ के फेंक दिया था। इन्होंने सरकार की जिस पार्टी में है, जिसने आपको टिकट दिया है, उसी के आप जो है लगातार आलोचना किए जा रहे हैं। ये किसी और वजह से नहीं है, ये गांधी सरनेम की वजह से है कि हम एक गांधी जो है वो बाकी सबसे ऊपर है। तो इस सबसे पहले राहुल गांधी जी हों या मेनका गांधी जी हों, चाहे वरुण गांधी जी हों, इन लोगों को इस माइंडसेट से निकलना होगा, क्योंकि अब जनता इससे आगे निकल चुकी है। अब जनता गांधी सरनेम पे वोट नहीं दे रही है, ये आप समझ लीजिए। और पीलीभीत से भी जो ये जीत रहे थे, ये गांधी सरनेम पे नहीं जीत रहे थे। तो अब आगे कि बीजेपी ने इनको टिकट ना देके ये मैसेज दे दिया है कि भाई थोड़ा सा संभल जाओ, ये भाजपा में नहीं चलता है। इन्होंने ट्रिक्स पूरी लगाई कि कभी जो है कांग्रेस में जाने की अटकलें चलवाईं, कभी चलवाया कि मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। अगर इनके कांग्रेस में जाने की बात करें, ये कहना और बोलना बहुत आसान लगता है, क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी इनको कांग्रेस में एंट्री देंगे? कभी नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी हाईजैक हो जाने का खतरा होगा। जो आज सोनिया गांधी जी की परिवार के पास कांग्रेस पार्टी है, तब एक और उसका दावेदार आ जाएगा। इसलिए कांग्रेस इनकी नेचुरल चॉइस या कांग्रेस वालों की ये चॉइस दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ये हम सवाल करना या सोचना बंद कर दें कि वरुण गांधी जी वापस कांग्रेस में जा सकते हैं और निर्दलीय ये लड़ेंगे और उनको समर्थन मिलेगा, ये सब बहुत दूर की कौड़ी। कोई भी इतनी आसानी से अपना कैंडिडेट विड्रॉ नहीं करता, समर्थन इतनी आसानी से नहीं देता है। तो ऐसे स्थिति में अब की जो आज की पोजीशन है, देखिए बीजेपी हमेशा वो बात करती है 2047 की बात करती है, वो 24 की बात नहीं करती है। तो अगर आप देखा जाए, देखिए जिस समय संजय विचार मंच का मर्जर हुआ था बीजेपी में, तब स्थितियां अलग थी, और उस समय अगर कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे तो वो आज तक निभाए जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के बाद इस परिवार का राजनीति में, मेनका जी जैसे समीर जी बोल रहे हैं, अब उनकी नेक्स्ट चुनाव उनके लिए नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर वरुण गांधी जी जिस तरह से अपना वो दिखा रहे थे, मुझे तो नहीं लगता भाजपा की राजनीति में, भाजपा की जो स्टाइल है राजनीति करने की, उसमें इनके लिए कोई जगह है अब। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।